देश भर के 7 राज्यों की 59 सीटों पर छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि 2014 में भाजपा ने इन 59 में से 45 सीटें अकेले ही जीती थी और इसके अलावा उसकी सहयोगी लोजपा को एक सीट, तृणमूल कांग्रेस को 8, कांग्रेस INLD को 2-2 और सपा को 1 सीट हासिल हुई थी। आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 19 मई को होगा लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होना है। छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे हैं। 19 मई को लोकसभा चुनाव का अब आखिरी और 7वां चरण बचा है जिसमें 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा।